नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। लगातार कोरोना के शतक में फंसी झांसी दहशत में है, लेकिन अब भाग दौड़ भी करती है। झांसी की शुरुआत सुबह से फुर्ती के साथ होती है। आप देख सकते हैं कि जिस समय कोरोना को लेकर लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, तब इस मार्ग पर क्या हालात हुआ करते थे, और आज जब झांसी अनलॉक में है तो आप भागदौड़ के साथ में देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना सुबह से शुरू हो जाता है। हालांकि झांसी में कोरोना को लेकर बड़ी समस्या बनी हुई है। विधायक जवाहर सिंह राजपूत और भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस प्रकार झांसी में कोरोना के मरीजों की संख्या पिछले 4-5 दिन से लगातार शतक लगा रही है। दहशत है, लेकिन भाग दौड़ भी जारी है। इधर हम देश की बात करें तो इस समय बड़ी खबर आ रही है, NS ने केरल समेत कई राज्यों में दबिश देकर अलकायदा के 9 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है इस देश में। इस समय देश में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर NSA को जो सूचना मिल रही थी, उसके बाद फिलहाल यह देश के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अलकायदा के आतंकवादियों की भारत में सक्रियता को लेकर जिस प्रकार से इनपुट मिला था, उसके बाद से NSA ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दिन की शुरुआत के साथ हम आपसे फिर अपील करेंगे कि कृपया कोरोना को हल्के में ना लें और सुरक्षित रहते हुए प्रिकॉशन करें। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।